तो अंदर ही कुछ खेलते हैं। बहुत कुछ है खेलने के लिए। सांप सीढ़ी वगैरह नहीं, ना 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 ना। कुछ नया खेल सोचे। कौन सा नया खेल? माँ ने मोती चूर के लड्डू बनाए अभी, तो सोचा सबके लिए लेके चली आऊं। काजू किशमिश बादाम डाल के बना लूं मैं लड्डू, खा के जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। अरे बादाम तो अंदर ही छूट गए, अभी ले आती हूँ। काजू किशमिश बादाम डाल के बना लूं मैं लड्डू, खा के जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। बाबूराम के मटके, मेरे ये मटके। रोज एक लोटा दूध एक बलवान इंसान के लिए। चल रहा है जी। अरे अरे अब अरे मक्खी तो गई लेकिन बिल्ली तो नहीं ना आ गई भाई। चलो देखते हैं क्या है। हाय दया। अरे कौन है जिसने हमारा सारा दूध गिरा दिया रे भाई ने? कौन है चोर कहीं का? चोर चोर किसी का काम होगा। मीठे मीठे केले ले लो, ताजे ताजे संतरे ले लो, मीठे मीठे केले ले लो। अरे ये क्या है, देखो तो जरा। कहाँ चला गया? अरे ये तो शीशा है, खाली फोकट समय बर्बाद हुआ। अरे ये क्या, मेरे केले कहाँ गए? हे भगवान, मेरे सारे केले गायब हो गए। दोस्तों मैंने छुपा दी अपनी मनपसंद गेंद। हाँ चलो ढूंढो। छुपा दी अपनी पतंग, अब ढूंढ कर दिखाओ। ये मेरी पतंग अब तुम्हारी बारी जग्गू। लेकिन अब यहाँ कोई अच्छी जगह नहीं बची है, सारी जगह इस्तेमाल हो चुकी है। मेरे घर चले। हाँ जग्गू चलो चलकर देखते हैं। पिग्गू कैसे हो दोस्तों? हम सब अच्छे हैं पिग्गू, तुमने तो हमें चौंका ही दिया। अरे
इतने दिनों से तुम मुझे तोहफे देते जा रहे हो, सोचा आकर शुक्रिया कह दूं। तोहफे? मैंने तो कुछ नहीं दिया। मतलब मेरी मनपसंद केले की खीर, नरम घास का तकिया, कच्चे आम की टॉफी, ये है मेरा पेड़ और मैं उस ऊंची टहनी पे सोता हूँ। और तोहफे भी तुम्हें वहीं मिले थे? नहीं नहीं, तोहफे मुझे हमेशा यहीं नीचे पेड़ की जड़ों के पास मिले, कभी इस ओर कभी उस ओर। क्या तुम हमें ठीक से दिखा सकते हो पिक्कू? हाँ हाँ चलो। लकड़ी का कटोरा? शायद वो भी जंगल में ही रहता है। अरे वो कहाँ मिले तुम्हें पिक्कू? कल मैं जब फल तोड़ रहा था जब मैं अचानक गिर गया, जब मैं उठा तब वहाँ बस ये रुमाल मिला और आम की टॉफी। तो जरूर तुम्हारे लिए तोहफे छोड़ने वाला काली चट्टान के पास रहता है। शाबाश कालिया। बनाया है पर तुम एक चीज भूल गए। तुमने मेरे हाथ में लड्डू नहीं बनाया। पर लड्डू तो चुटकी के पास है। पर अब तो वो मेरे पेट में है। कितना मजा आता अगर हम अपनी कहानी इसी तरह बना पाते। मजा तो बड़ा आता पर अभी हमें घर चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी।